गुड मॉर्निंग। आज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेमिंग की बात करेंगे। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा है जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन प्रेजेंट है तो उसकी आईयूपीएसी नेमिंग कैसे की जाएगी, उसकी आईयूपीएसी नेमिंग के रूल क्या क्या होंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन जो है वो प्रेजेंट है। इस कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ब्रैकेट के बाहर जो भी कुछ लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर, इसी को हम बोलते हैं काउंटर आयन। तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या क्या होगा, तो ब्रैकेट के अंदर एक तो होता है आपका सेंट्रल मेटल एटम या आयन, सेकेंड जो होता है वो लिगेंड होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल एटम या आयन के अलावा जो है वो लिगेंड होता है। तो यहां पे सेंट्रल मेटल एटम जो है या आयन जो है वो कोबाल्ट है, यहां पे सेंट्रल मेटल आयन होगा। अमोनिया जो है वो लिगेंड है, 6 जो है यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर है, और Cl3 जो है वो है आयोनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन का होता है। अब इसमें जो है कॉम्प्लेक्स कैटायन जो है वो कौन सा होगा, तो अगर हम इस कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कराएं तो ये जो बनेगा ये CO NH3 होल 6, इसके ऊपर प्लस 3 का चार्ज आएगा, प्लस 3 Cl नेगेटिव। तो ये जो हमारा आयन बना ये है कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो या तो आपका फुल कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड ऐसा हो या केवल ये केवल आयन दिया हो, ये गायब हो, केवल ये आयन दिया हो, तो ऐसे कंपाउंड या ऐसे कॉम्प्लेक्स कैटायन की आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करनी है, उसके रूल क्या होंगे, उसके बारे में हमें जानना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन प्रेजेंट है उसके आईयूपीएसी नेमिंग का जो रूल होता है वो होता है, सबसे पहले हम जो है वो लिगेंड्स लिखेंगे। अगर लिगेंड्स जो है मोर देन वन टाइप के हैं तो उनको जो है वो अल्फाबेटिक ऑर्डर जो है उसमें लिखते हैं। अगर लिगेंड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है मोर देन वन है तो फिर हम प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा ये यूज करते हैं। लेकिन अगर लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा ये शब्द आए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, तो फिर हम ये प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, फिर उसके लिए हम कोई नया प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो नया प्रीफिक्स जो होते हैं वो होते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, ये होते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें तो EN इथेन 1,2 डाइअमाइन या इथिलीन डाइअमाइन, इसके नाम में डाई आ गया शब्द, तो अगर इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो फिर इसके 2 के लिए हम डाई प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे, बिस यूज करेंगे, बिस इथेन 1,2 डाइअमाइन। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो ट्रिस इथेन 1,2 डाइअमाइन ये लिखा जाएगा। तो लिगेंड लिखने के बाद फिर आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन को लिखना है, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम यूज करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम में हम 8 नहीं लगाएंगे, 8 हम कब लगाते हैं, जब हमारा कॉम्प्लेक्स एनायन होता है, तो एनायन कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम में 8 जो है सफिक्स यूज करते हैं, लेकिन यहां पे हम सिंपल मेटल एटम का नाम जो है वो लिखेंगे। फिर मेटल एटम की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो रोमन न्यूमरल्स में लिखी जाएगी, 0, 1, 2, 3 जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ब्रैकेट में क्लोज करके जो है आपको लिखना है। फिर इसके बाद हम आयोनिक स्फीयर का नाम लिखेंगे, आयोनिक स्फीयर को हम काउंटर आयन जो है वो कहते हैं। तो ये हमारा जो रूल है जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की नेमिंग में
यूज किया जाएगा या अप्लाई किया जाएगा। 2004 में IUPAC ने लिगेंड्स के कुछ न्यू नेम जो है वो सजेस्ट किए थे। उसने नेगेटिव लिगेंड के लिए बताया था कि नेगेटिव आयन जिनका एंडिंग जो है वो आइड पे होता है, जैसे H नेगेटिव ये हाइड्राइड आयन कहलाता है, F नेगेटिव ये फ्लोराइड आयन कहलाता है, Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन कहलाता है, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन कहलाता है, I नेगेटिव आयोडाइड आयन कहलाता है, Cl नेगेटिव साइनाइड आयन कहलाता है। तो ओल्ड नेम में हम क्या करते थे, पूरे आइड को रिप्लेस करते थे, पूरा आइड हटा के ओ लगा देते थे। तो ये हाइड्रो बन जाता था, फ्लोराइड आइड हटाया तो फ्लोरो बन जाता था, क्लोराइड से आइड हटाया तो क्लोरो बन जाता था, ब्रोमाइड से आइड हटाओगे तो ब्रोमो बन जाएगा, आयोडाइड से आइड हटाओगे तो आयोडो बन जाएगा, साइनाइड से आइड हटाओगे तो साइनो बन जाएगा। लेकिन 2004 में IUPAC ने सजेस्ट किया कि आपको आइड हटा के ओ नहीं जोड़ना है। उसने बताया कि आइड का लास्ट का ई हटा के आपको ओ जोड़ना है। तो जो आपका हाइड्राइड था वो हाइड्राइडो बन जाएगा, आपको ये वाला ई इरेज करना है न्यू सिस्टम में। ओल्ड सिस्टम में क्या था, आपको पूरा आइड हटाना था, न्यू सिस्टम में क्या है, आपको केवल ई हटाना है। तो जब आप फ्लोराइड का ई हटाओगे तो फ्लोराइडो बनेगा, क्लोराइड का ई हटाओगे तो क्लोराइडो बनेगा न्यू सिस्टम में, इसका ई हटाओगे तो ब्रोमाइडो बनेगा, आयोडीन आयोडाइड का ई हटाओगे तो आयोडाइडो बनेगा, साइनाइड का ई हटाओगे तो साइनाइडो बनेगा। फिर कुछ न्यूट्रल लिगेंड थे, H2O एक्वो कहलाता था पहले, ओल्ड नेम एक्वो था, अब आपको एक्वा लिखना है इसको। इसी प्रकार जो EN है इसको इथिलीन डायकामाइन बोलते हैं ओल्ड नेम में, लेकिन अब आपको ये नहीं लिखना है, अब आपको इथेन 1,2 डायकामाइन जो है वो ये लिखना है। अगर आपको कैटालिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की IUPAC नेमिंग करनी है तो आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी ही होंगी। पहली तो चीज ये है कि IUPAC नेमिंग जो है वो हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। सेकंड चीज ये है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होता है उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ये हमेशा वन वर्ड में लिखा जाता है, कहीं भी कोई भी गैप बीच में नहीं आएगा। थर्ड चीज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर जो कुछ भी लिखा रहता है वो आयोनिक स्फीयर कहलाता है, इसी को हम काउंटर आयन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन के बीच में जो है गैप आता है, तो यहां बीच में हम गैप शो करेंगे। अगला पॉइंट आपको जो है याद रखना है कि प्रीफिक्स जो है हम डाई ट्राई टेट्रापेंटा जो यूज करते हैं वो केवल और केवल लिगेंड के नेम में ही यूज करते हैं, लिगेंड के लिए ही यूज करते हैं। काउंटर आयन के लिए आप डाई ट्राई टेट्रापेंटा यूज नहीं करोगे, इसके लिए आप बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस ये यूज नहीं करोगे। तो ये जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं केवल और केवल लिगेंड की नेमिंग में ही करते हैं, लिगेंड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर को शो करने के लिए करते हैं। तो हमारे पास पहला कंपाउंड ये है, इस कंपाउंड की हमें नेमिंग करनी है, ये है CONH3 whole 6 ब्रैकेट क्लोज Cl3। ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट रहता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है, बाहर जो भी पार्ट रहता है उसको हम आयनिक स्फीयर या काउंटर आयन बोलते हैं। नेमिंग जो स्टार्ट करते हैं वो लिगेंड के नेम से स्टार्ट करते हैं, तो लिगेंड की कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे 6 है तो लिखा जाएगा हेक्सा। NH3 को हम बोलते हैं अमाइन, तो अमाइन, तो अमाइन की स्पेलिंग जो है यहां पे डबल एम आता है, ये आप याद रखना, ये जो अमाइन है यहां पे डबल एम आएगा, तो हेक्सा अमाइन। फिर CO को हम बोलते हैं कोबाल्ट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहां पे 3 है तो हमने 3 लिखा। Cl को हम बोलते हैं क्लोराइड, तो क्लोराइड लिखा। बीच में आपको गैप देना है, यहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनिक स्फीयर के नेम में गैप देना है आपको। अब यहां पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 3 क्यों भाई, तो देख लेते हैं कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करनी है तो इसकी हम एक्स मानेंगे। NH3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 होती है, टोटल क्लोरीन 3 है और सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हमेशा 0 ही आता है न्यूट्रल कंपाउंड के लिए, तो एक्स -3 = 0, तो एक्स इक्वल टू जो है यहाँ पे +3 आ जाएगा। और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ये किसकी है, ये कोबाल्ट की।
तो हमारा जो सेकेंड कंपाउंड है वो है सी आर एच टू ओ होल फोर सी एल टू ब्रैकेट क्लोज एनओ थ्री। तो यहां पे दो लीगेंड है, एच टू ओ को हम एक्वा बोलते हैं, सी एल टू को हम क्लोराइडो बोलते हैं। तो इसको हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे, एक्वा का ए पहले आता है, क्लोराइडो का सी बाद में आता है। तो सबसे पहले ये एक्वा लिखा जाएगा, तो क्वाड्रेंट नंबर फोर है तो हम लिखेंगे टेट्रा एक्वा, फिर डाई क्लोराइडो, फिर क्रोमियम, फिर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहां पे थ्री है तो हम थ्री लिखेंगे, और एनओ थ्री को हम नाइट्रेट बोल रहे तो नाइट्रेट लिखा। अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे थ्री क्यों आई, कैसे आई? तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप एक्स मानोगे, एच टू ओ की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है इंटू फोर प्लस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन इंटू टू प्लस एनओ थ्री की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होती है इक्वल टू में जीरो आएगा। तो जो न्यूट्रल जो कंपाउंड होगा उसका सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही होता है। तो x ये तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस टू हो जाएगा, ये माइनस वन, तो माइनस टू और माइनस वन प्लस करोगे तो ये माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू जो है ये आपका प्लस थ्री में चला जाएगा साइड ले आएंगे। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री ऐसे आ गए। अब इसके बाद आता है थर्ड कंपाउंड सी आर ई एन होल थ्राई ब्रैकेट क्लोज सी एल थ्री। अब यहां पे हम प्रीफिक्स यूज करेंगे थर्ड के लिए, ट्रिस यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ईएन जो है इसको हम इथेन वन टू डाई अमाइन बोलते हैं, इसके नाम में ही डाई आ गया, तो ऐसा लिगेंड जिसके नाम में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये वर्ड आते हैं तो फिर उनके लिए स्पेशल प्रीफिक्स यूज करते हैं, जैसे बिस टू के लिए, ट्रिस थ्री के लिए, टेट्रा किस फोर के लिए। तो यहां पर थ्री आया है तो हम लिखेंगे ट्रिस, फिर लीगेंड ये हमारा ये है इथेन वन टू डाई अमाइन, ये लिखा हमने, सी आर को हम क्रोमियम बोलते हैं, क्रोमियम लिखा, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे थर्ड है, कैसे आई थर्ड तो देख लेते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ पे एक्स मानोगे, ईएन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जीरो होती है इंटू थ्री करेंगे क्योंकि थ्री है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, प्लस क्लोरीन की माइनस वन होती है इंटू थ्री क्लोरीन, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू जो है वो प्लस थ्री आ गए। तो फिर हमने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे थ्री लिखी और ये सीएल जो है इसको हम क्लोराइड बोलेंगे तो क्लोराइड लिखा। हमारे पास फोर्थ नंबर का कंपाउंड है सी ओ सी एल ई एन होल ट्वाइस ओ एन ओ और ब्रैकेट के बाहर प्लस वन का चार्ज है। इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि तीन लिगेंड है, एक क्लोरीन है, एक इथेन वन टू डायमाइन है और तीसरा जो है नाइट्राइड टू है। तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाएगा, तो सबसे पहले क्लोराइडो लिखा जाएगा, क्लोराइडो लिखेंगे, फिर इसके क्वाड्रेशन नंबर को ये जो टू है इसको हम बिस लिखेंगे, बिस इथेन वन टू डाई अमाइन, क्योंकि यहां पे डाई प्रीफिक्स यूज पहले किया गया है इसलिए यहां पे बिस आएगा। फिर ओ एनओ को हम नाइट्राइडो लिखेंगे तो नाइट्राइडो लिख दिया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, नाइट्रो ओ ऐसा भी लिख सकते हो। इसमें यह बताया गया है कि डोनर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो नाइट्राइटो की जगह आप ये भी लिख सकते हो नाइट्रो ओ। फिर मेटल आएगा कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है तो हम थर्ड लिखेंगे, और चूंकि ये आयन है तो हमें आयन लिखना पड़ेगा, तो हमने आयन लिखा। अब आपको ये बताना है कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे प्लस थ्री क्यों आई। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम एक्स लेंगे, क्लोरीन की माइनस वन होती है, प्लस ईएन की जीरो इंटू टू, ये टू से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ओएनओ की माइनस वन होती है इक्वल टू प्लस वन, जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जितना चार्ज होता है वही माना जाता है, तो सम ने प्लस वन लिख दिया सम। एक्स इक्वल टू जी आपका प्लस थ्री आ जाएगा, माइनस वन ये है तो माइनस टू हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो प्लस थ्री हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।